नमस्कार, मैं भाग्यश्री डोंगे आज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। रायगढ़ में कल हथियारों से भरी नाव मिलने के बाद भारी सुरक्षा बल तैनात है। खबर है कि यह नाव आखिरी बार दुबई से रवाना हुई थी तो महाराष्ट्र विधान परिषद में उपसभापति नीलम गोरे ने कैबिनेट मंत्री गुलाबराव पाटिल को जमकर फटकार लगाई है। वही खबर है कि महाराष्ट्र में सीबीआई पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है, महाराष्ट्र सरकार इस पर जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जल्द ही ठाकरे परिवार की एक और चिराग राजनीति में एंट्री ले सकता है। खबर है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। तो उधर प्रदेश की शिंदे सरकार ने दहीहांडी को कबड्डी और खो खो की तरह खेल का दर्जा दे दिया है। अब राज्य में दहीहांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स के तौर पर पहचान मिली है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रायगढ़ में कल हथियारों से भरी नाव मिलने के बाद भारी सुरक्षा बल तैनात है। खबर है कि यह नाव आखिरी बार दुबई से रवाना हुई थी। दरअसल मई जून में यह नाव दुबई से रवाना हुई थी, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स और 5 यात्री सवार थे। 16 मीटर लंबी इस नाव ने 26 जून को ओमान की खाड़ी में मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद 27 जून को कंबाइंड टास्क फोर्स 151 के कोरियाई नौसेना के पोत ने सभी को बचा लिया था, लेकिन रस्सी टूट जाने से नाव बह गई थी। सुरक्षा एजेंसी नेपचून मेरीटाइम सिक्योरिटी ने नाव पर मिले AK-47 हथियारों के सीरियल नंबर की पुष्टि की है। साथ ही एजेंसी ने बयान भी जारी किया है कि अरब सागर में मानसून के दौरान नाव क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते कैप्टन को आपातकाल घोषित करना पड़ा। क्रू को बचाते समय मौसम की गंभीर परिस्थितियों के चलते नाव को नहीं बचाया जा सका। इस सुबह नेपचून ग्रुप को जानकारी दी गई कि जिस नाव को डूबा हुआ मान लिया गया था वह भारतीय तटों पर मिली है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सुरक्षा संबंधी कोई खतरा नहीं है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य विधानसभा को सूचित किया कि खराब मौसम के कारण नाव अनियंत्रित होकर बहते हुए रायगढ़ तट पर आ गई थी। इसका स्वामित्व एक ऑस्ट्रेलियाई महिला के पास है। नाव में कुछ अर्धचालित हथियार मिले, लेकिन आतंकवाद से इसका कोई संबंध नहीं है। इस नौका का कैप्टन ऑस्ट्रेलियाई महिला का पति था। महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति नीलम गोरे ने कैबिनेट मंत्री गुलाबराव पाटिल को फटकार लगा दी थी। हालात इतने बिगड़ गए कि गोरे ने पाटिल को यह तक कह दिया कि क्या आप अपने घर पर भी मंत्री हैं? इससे पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के LMC अमोल मिटकरी को भी गोरे ने हिदायत दी थी। उन्होंने राकपा के नेता हंसने के बजाय गंभीरता से जवाब देने के लिए कहा था। स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर सदन में उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उनके जवाब से विपक्ष पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। हालांकि बाद में केसरकर ने आज गुरुवार को मुद्दे पर बैठक बुलाने की बात कही, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ। शिवसेना LMC मनीषा कायंदे के अनुसार इसके बाद गुलाबराव पाटिल बीच में आए और अपनी सीट से बोलने लगे। पाटिल की तरफ से दी गई दखल से विपक्षी दलों के सांसद और नाराज हो गए, जिसके चलते हंगामा हुआ और कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। गोरे ने पाटिल से कहा कि शिक्षा मंत्री सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप प्लीज बैठ जाए, यह सवाल आपके विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, यह सवाल केसरकर के विभाग का है। उपसभापति के निर्देश के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा। बाद में गोरे ने कहा कि गुलाबराव पाटिल जी, मैंने समय समय पर आपको चेतावनी दी है, समझाया है, आप तत्काल अपनी सीट पर बैठ जाए, सदन में यह किस तरह का बर्ताव है। इस पर पाटिल ने कहा कि मैं एक मंत्री हूँ और बोलने का मौका मिलना चाहिए। इस पर नाराज हुए उपसभापति ने कहा कि आप मंत्री हैं तो क्या आप अपने घर में मंत्री हैं? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी CBI को लेकर महाराष्ट्र सरकार जल्दी बड़ी फैसला ले सकती है। खबर है कि राज्य में 5 एजेंसी पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। खास बात है कि महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल है जिसने अपने क्षेत्र में CBI में कामों को लेकर जनरल कॉन्सेप्ट वापस ले लिया है, जिसके चलते जांच एजेंसी को छोटी कार्रवाई के लिए भी राज्य सरकार के पास आवेदन देना होता है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि राज्य सरकार प्रतिबंध को हटाने के फैसले पर विचार कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार जल्दी इसे हटा सकती है। इससे पहले महाविकास आघाड़ी सरकार में CBI पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसके चलते केंद्रीय एजेंसी को जांच की शुरुआत करने से पहले सरकार की सहमति की जरूरत होती थी। सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट बैठक में सरकार की तरफ से यह प्रतिबंध हटाया जा सकता है। दरअसल जब जनरल कंसेंट वापस ले लिया जाता है तो CBI को संबंधित राज्य सरकार से जांच के लिए सहमति हासिल करना जरूरी हो जाता है।
अगर विशिष्ट सहमति नहीं मिलती है तो जांच एजेंसी के अधिकारियों के पास राज्य के पुलिस की शक्तियां नहीं होंगी। कुछ लोगों का कहना है कि इससे कई लंबित मामलों की जांच फिर से शुरू हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कई नामचीन चेहरों के लिए मुश्किल होगी। महाराष्ट्र में जल्दी ही ठाकरे परिवार का एक और चिराग राजनीति में एंट्री ले सकता है। खबर है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। फिलहाल आदित्य पूरी तरह राजनीति में सक्रिय है। वह MVA सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। खास बात है कि कभी कभी मंच पर नजर आने वाले तेजस का चेहरा इस बार दहीहंडी उत्सव में खासा छाया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई में गिरगांव इलाके में उनकी तस्वीर कई पोस्टर्स में शामिल है। इन रिपोर्ट्स में दिवंगत बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट, उद्धव को कुटुंब प्रमुख, आदित्य को युवा नेतृत्व और तेजस को युवा शक्ति के तौर पर बताया गया है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को देखते हुए कयास तेज में है। उद्धव ठाकरे, आदित्य के बाद अब तेजस को भी पार्टी राजनीति में सक्रिय कर सकते हैं। हाल ही में हुए पार्टी के अंदर बगावत के बाद तेजस के राजनीति में आने के संभावना को काफी अहम माना जा सकता है। बड़ी संख्या में विधायकों के जाने के बाद आदित्य पर शिवसेना के अस्तित्व को लेकर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। इसके अलावा खबरें यह भी आई थी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित भी राजनीति में अपना डेब्यू कर सकते हैं। कहा जा रहा था कि वह राज्य के कई हिस्सों में कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश की सिंधे सरकार ने दही हंडी को कबड्डी और खो खो की तरह खेल का दर्जा दे दिया है। अब राज्य में दही हंडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स के तौर पर पहचान मिली है। दही हंडी में शामिल होने वाले गोविंदा सरकार योजनाओं का आनंद ले सकेंगे। गोविंदा को अब से स्पोर्ट कोटा के लिए सरकारी नौकरियां भी मिलेगी। CM एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में ऐलान किया है कि जल्द ही प्रो कबड्डी के नियमों के आधार पर राज्य में दही हंडी प्रतिस्पर्धा भी शुरू होगी। बता दें कि दही हंडी के दिन प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी घोषित किए गए हैं। फैसले के अनुसार दही हंडी में भाग लेने वाले गोविंदाओं को अब से न सिर्फ सरकारी नौकरियां मिलेंगी बल्कि उन्हें बीमा संरक्षण भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि दही हंडी खेलते वक्त अगर दुर्घटना हो जाती है और ऐसे में किसी गोविंदा की मौत हो जाती है तो संबंधित गोविंदा के परिवार वालों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से जख्मी होने वाले 7,50,000 रुपए की रकम मदद की तौर पर दी जाएगी। अगर दही हंडी के दौरान कोई गोविंदा दोनों पैर या दोनों हाथ या दोनों आंखें या शरीर के कोई दो अहम अंग गवा देता है तो उसे 7.5 लाख रुपए की रकम राज्य सरकार देगी। ऐसी किसी दुर्घटना में कोई गोविंदा अगर एक हाथ या पैर या शरीर का कोई अंग गवा बैठता है तो ऐसी स्थिति में उसे 5 लाख रुपए की रकम मदद के तौर पर दी जाएगी। बीते करीब 1.5 सालों में देश के 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले भाजपा ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा का फोकस दलित वोटर्स को साधने पर है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के बॉर्डर इलाकों में हो रहे जनसंख्या परिवर्तन पर नजर रखने की जरूरत बताई है। वही भाजपा संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान को बाहर किए जाने की चर्चा अब अलग मोड़ ले रही है। तो उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर CBI की टीम पहुंची है। टीम 21 जगहों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। इस बीच कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। परिवार के साथ उनके करीबी दोस्त दुआएं कर रहे हैं। कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो कोई महामृत्युंजय जाप। देश भर की इस 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीते करीब 1.5 सालों में देश के 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले भाजपा ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी। भाजपा का फोकस दलित वोटर्स को साधने पर है जिसकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में अच्छी खासी आबादी है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को 950 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। यह फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इनकम जनरेशन स्कीमों के लिए दिया गया है। यह बड़ा फंड 8 मंत्रालयों के उस फंड से ट्रांसफर किया गया है जो उनके खर्च नहीं हो सकता था। यह पहला मौका है जब वित्त मंत्रालय ने किसी मिनिस्ट्री की बची हुई रकम को सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दिया है। 27 जुलाई को ही व्यय विभाग की ओर से इस फैसले को मंजूरी दी गई है। माना जा रहा है कि इसके जरिए केंद्र सरकार अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर खास फोकस कर सकेगी। खासतौर पर 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला अहम माना जा रहा है। डेवलपमेंट एक्शन प्लान और फोर्थ शेड्यूल कास्ट के तहत 41 मंत्रियों को अपने कुल बजट में 2 से 20% तक के हिस्से को अनुमानित जातियों के कल्याण के लिए खर्च करना होता है।
लेकिन ज्यादातर मंत्रालय ऐसे नहीं कर पाए तो कई मंत्रालयों ने अन्य स्कीमों पर ही फंड को खर्च कर दिया। ऐसे में सरकार ने अब 8 मंत्रालयों के बचे हुए 950 करोड़ रुपयों को सामाजिक न्याय मंत्रालय को दिया है ताकि अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी स्कीमों पर खर्च किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के बॉर्डर इलाकों में हो रहे जनसंख्या परिवर्तन पर नजर रखने की जरूरत बताई है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि यह पुलिस महानिदेशकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने राज्य में खासकर सीमावर्ती जिलों में सभी तरह की तकनीकी और राजनीतिक जानकारी हासिल करें। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा पर जोर दिया है बल्कि चुनौतियों का सामना करने के लिए तंत्र को भी मजबूत किया है। आंतरिक सुरक्षा के मामले में सरकार को बड़ी सफलताएं हासिल हुई है जिसमें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी गुटों से डील करना शामिल है। यही कारण है कि कई मोर्चे पर आज भारत को भारी सफलता मिली है और सीमांत प्रदेशों में शांति बनी हुई है। साथ ही हम आतंकवाद और उग्रवाद पर न अकेले कसने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ऐसी कई योजनाएं लागू की है जिनसे राज्यों के साथ संवाद बढ़ा है। साथ ही बजटीय आवंटन बढ़ाया गया है और तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के रूप में एक प्रणाली विकसित की गई है और इसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। भाजपा ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के बड़े बदलाव किए हैं। संसदीय बोर्ड ने नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को बाहर किए जाने की काफी चर्चा हो रही है। इसे लेकर पार्टी में भी कार्यकर्ता और नेता जिज्ञासा में है कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया है। इन नेताओं को बाहर किए जाने के अलावा भाजपा ने इस बार के संसदीय बोर्ड में कुछ नियम भी तय किए हैं। भाजपा ने किसी भी मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड में शामिल न करने का फैसला लिया है। इसके अलावा पार्टी के सिर्फ एक ही महासचिव को इसमें जगह दी गई है। इससे पहले आमतौर पर दो महासचिव को संसदीय बोर्ड में जगह दी जाती रही है। भाजपा के संविधान के मुताबिक संसदीय बोर्ड में पार्टी अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य संसदीय बोर्ड का हिस्सा रहे हैं। इनमें से एक संसद में पार्टी का नेता भी रहा है। संविधान के अनुसार पार्टी का अध्यक्ष ही संसदीय बोर्ड का चेयरमैन होगा और एक महासचिव को बोर्ड के मानद सेक्रेटरी के तौर पर रखे जाने की परंपरा है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि बीते कई सालों से पार्टी में दो महासचिव को बोर्ड में रखने की परंपरा रही है, एक संगठन महासचिव भी रहा है, इनमें से ही किसी एक को सचिव बनाया जाता रहा है। इस बार बीएल संतोष की एकमात्र पार्टी महासचिव है जिन्हें बोर्ड में एंट्री दी गई है। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल और ओबीसी मोर्चे के प्रमुख लक्ष्मण को भी एंट्री दी गई है। यह तेलंगाना से आते हैं और माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। टीम 21 जगहों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई जिन 21 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है उनमें दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आर ओ गोपी कृष्ण का परिसर भी शामिल है। माना जा रहा है कि यह छापेमारी नई आबकारी नीति को लेकर की जा रही है। दरअसल उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पिछले दिनों सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश उन्होंने यह सिफारिश मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद की थी। रिपोर्ट में डिप्टी सीएम की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। बता दें कि आबकारी विभाग भी सिसोदिया के अधीन है। सीबीआई छापेमारी की जानकारी खुद सिसोदिया ने ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर वन नहीं बन पाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को रोकने के लिए यह छापेमारी की जा रही है, इसे ये रोकना चाहते हैं। 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम करने की कोशिश की उसे रोका गया, इसलिए भारत पीछे रहा है, लेकिन हम दिल्ली के लिए अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। परिवार के साथ साथ उनके करीबी दोस्त दुआएं कर रहे हैं। कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो कोई महामृत्युंजय जाप। राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर 18 अगस्त को जब यह खबर आई कि उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है और डॉक्टरों ने भी परिवार को जवाब दे दिया है तो हर कोई उनकी सलामती की दुआ करने लगा है। एक्टर राजपाल यादव ने भी राजू के जल्द ठीक होने की दुआ मांगते हुए एक संदेश भेजा है। वही दोस्त एहसान कुरैशी ने कॉमेडियन के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी।
एहसान कुरैशी ने बताया कि उन्होंने राजू के लिए बाकी दोस्तों के साथ हनुमान चालीसा पढ़ी। अब किसी करिश्मे के होने का इंतजार कर रहे हैं। करिश्मा ही राजू को बचा सकता है। एहसान कुरैशी ने कहा कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। उन्होंने फैमिली को कहा है कि वह हर संभव कोशिश कर चुके हैं और अब कोई करिश्मा ही राजू श्रीवास्तव को बचा सकता है। डॉक्टरों ने कहा कि राजू का ब्रेन डेड हो गया है, उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। हम सारे दोस्त उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वह सभी एम्स में है और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि कोई चमत्कार होने के लिए प्रार्थना करे। शेयर किए गए वीडियो में राज्यपाल यादव कह रहे हैं कि भाई राजू श्रीवास्तव आप जल्दी से अच्छे हो जाइए, हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं, बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका परिवार, आपका जो संसार है, आपके जो शुभचिंतक है, वो सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। मेडिकल के छात्रों की नियमित पढ़ाई के लिए यूक्रेन के विश्वविद्यालय सुरक्षित स्थानों पर ढांचा तैयार करने में जुटे। ढांचा तैयार होते ही छात्रों को बुलाया जाएगा। तो अमेरिका का आर्मेटियस मिशन तैयार है। इसी महीने के आखिर में इसके पहले रॉकेट की लॉन्चिंग होगी। वहीं फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन का पार्टी में डांस करते हुए वीडियो लीक हो गया है। पूरी दुनिया में इस वीडियो को लेकर बवाल मच गया है। तो जानकारों के अनुसार अफगानिस्तान में हो रहा बम धमाका असल में एक और भीषण संघर्ष से पहले की आहट है, जिसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। इस बीच अमेरिकी सरकार ताइवान के साथ व्यापार समझौता करने पर विचार कर रही है, जबकि ताइवान को ही लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भीषण युद्ध के बीच आगे की पढ़ाई के भारतीय छात्र यूक्रेन लौटने की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल के छात्रों की नियमित पढ़ाई के लिए यूक्रेन के विश्वविद्यालय सुरक्षित स्थानों पर ढांचा तैयार करने में जुटे। ढांचा तैयार होते ही छात्रों को बुलाया जाएगा। देश के नेशनल मेडिकल कमीशन से मेडिकल छात्रों को 6 महीने से अधिक ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति नहीं मिलने से अब वहां लौटना मजबूरी हो गया है। यूक्रेन के ओडिशा में मेडिकल 5वें साल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को यह संदेश भेजा गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन की शर्त है कि 6 माह से अधिक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी। इसकी जानकारी यूक्रेन के विश्वविद्यालय को हो चुकी है। ऑनलाइन पढ़ाई के बाद MBBS की डिग्री मिल जाएगी, लेकिन इसको भारत में मान्यता नहीं मिलेगी। ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की जानकारी दी है। स्थान का नाम अभी नहीं बताया गया है, लेकिन यूक्रेन के ज्यादातर विश्वविद्यालय जॉर्जिया, कजाकिस्तान में शिफ्ट हो रहे हैं। छात्रों को वापस बुलाया जा रहा है। मेडिकल फाइनल ईयर के छात्रों को इवानो बुलाया जा रहा है। बता दें कि भारत के हजारों छात्र यूक्रेन के अलग अलग विश्वविद्यालयों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इस बीच आगे की पढ़ाई को लेकर बेलारूस के शिक्षा प्रतिनिधियों ने एक वेबिनार में कहा कि भारत के मेडिकल छात्रों को अपने देश में पढ़ाई का मौका देने को तैयार है। अमेरिका का आर्मेटिस मिशन तैयार है। इसी महीने के आखिर में इसके पहले रॉकेट की लॉन्चिंग होनी है। अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा यह लॉन्चिंग ऐसे साल में कर रहा है जब कुछ महीने बाद ही चंद्रमा की सतह पर इंसान के कदम रखने की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। नासा ने वादा किया है कि इस बार चंद्रमा पर इंसान जो कदम रखेगा उसमें पहली बार महिला का कदम होगा। नासा का यह मून मिशन दरअसल एक पड़ाव है मंगल पर भी इंसान भेजने का। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का चंद्रमा पर जाने वाला नया विशाल रॉकेट पहली उड़ान के लिए तैयार है। स्पेस लॉन्च सिस्टम के नाम के इस व्हीकल को अमेरिकी की फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर की लॉन्चिंग पैड पर पहुंचाया जा चुका है, जिससे 29 अगस्त को छोड़े जाने की संभावना है। पहली उड़ान परीक्षण के लिए होगी जिसमें कोई मानव नहीं होगा, लेकिन आगे छोड़े जाने वाले मिशन में अंतरिक्ष यात्री 50 वर्षों बाद चांद की सतह पर कदम रखने वाले हैं। नासा के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि आने वाले दिसंबर में वह अपोलो 17 के चंद्रमा पर उतरने की 50वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। चंद्रमा की चांद पर अंतिम मानवीय लैंडिंग थी। इन 50 वर्षों में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। नासा का यह मून मिशन असल में मंगलवार पर इंसान को उतरने की तैयारी है, जिसके लिए वह चांद के जरिए रास्ता तलाशने की कोशिश में। नासा की योजना 2030 के दशक में यानी उससे ठीक बाद मंगल पर इंसान को भेजने की है और यह मून मिशन उसी का शुरुआती हिस्सा है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन का पार्टी में डांस करते हुए वीडियो लीक हो गया है। इसके बाद से ही पूरी दुनिया में बवाल मच गया है। इस वीडियो में वह अपने दोस्तों संग नाचते हुए दिख रही है। इस वीडियो के लीक होने के बाद उन्हें विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। एक विपक्षी नेता ने तो उनका ड्रग टेस्ट तक करने की मांग कर डाली है।
36 साल की सना मरीन ने ड्रग्स लेने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने केवल शराब पी रखी थी और उत्साहजनक तरीके से पार्टी का आनंद ले रही थी। बता दें कि फिनलैंड की सना मरीन दुनिया के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। उनकी पार्टी करते हुए तस्वीरें पहले भी अखबारों में सुर्खियां बनाते नजर आई है। पिछले साल भी पीएम सना मरीन को कोरोना केस के कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्लब में सुबह 4 बजे तक पार्टी करने की वजह से माफी तक मांगनी पड़ी थी। तब पीएम सना की सरकार के विदेश मंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इसके कुछ ही घंटों बाद पीएम डिनर और ड्रिंक्स के लिए निकल गई थी। हालांकि बाद में इस मामले को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी। फिनलैंड के स्थानीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में फिनलैंड की पीएम दोस्तों के साथ शराब पीते, डांस करते और गाना गाते दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि यह वीडियो ओरिजिनली इंस्टाग्राम स्टोरी के पोस्ट में किया गया था, वहीं से यह वीडियो लीक हुआ। इस वीडियो में फिनलैंड की कई बड़ी हस्तियां दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि यह वीडियो किसी प्राइवेट अपार्टमेंट का है। पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने शासन के 1 साल पूरा होने पर वर्षगांठ मनाई थी, लेकिन बुधवार को काबुल के कोटल खैरखाना में एक मदरसे में हुए भीषण विस्फोट में कम 21 लोग मार दिए गए हैं और करीब 40 लोग घायल हैं। ये धमाके असल में अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में शुरू होने वाले एक और भीषण संघर्ष से पहले की आहट है, जिसे अफगानिस्तान की धरती पर काफी आसानी से महसूस किया जा सकता है। एक खुफिया अधिकारी के अनुसार ये मदरसा एक तालिबानी मौलवी ही चला रहा था और इस मदरसे को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। दरअसल तालिबान ने पिछले साल अगस्त में अमरुल्ला सालेह और अहमद मसूद के नेतृत्व वाले प्रतिरोध मोर्चे को कुचल दिया था और फिर अफगानिस्तान की सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा हासिल कर लिया था। हालांकि पंजशीर पर तालिबान आखिर तक कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन ज्यादातर प्रतिरोध मोर्चे के लड़ाके या तो मारे गए या फिर ताजिकिस्तान भाग गए। कई लोगों ने तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी सेना में शामिल हो गए, लेकिन ये मोर्चा एक बार फिर से बनने लगा है। इसका मकसद तालिबान को सुई की तरह चुभो रहा है। तालिबान लाख कोशिश के बाद भी ISIS को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ISIS को भी कई कट्टर समुदायों का समर्थन प्राप्त है। यह लगातार मजबूत हो रहा है और तालिबान के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिरोध आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। अमेरिकी सरकार ताइवान के साथ व्यापार समझौता करने पर विचार कर रही है, जबकि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही नैसी के ताइवान दौरे से चीन काफी नाराज हो गया था। अब खबर है कि बाइडेन प्रशासन ताइवान के लोकतंत्र को समर्थन करने के लिए उसके साथ व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहता है। अमेरिका चीन को व्यापार की आड़ में यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह उसकी धमकियों से नहीं डरता। बता दें कि चीन ताइवान पर अपना दावा करता रहा है। बीजिंग का मानना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह बल का प्रयोग करने ताइवान को चीन का हिस्सा बना लेगा। वह आज भी ताइपे को अपना एक प्रांत मानता है। यही कारण है कि ताइवान के साथ अमेरिकी व्यापार वार्ता की घोषणा के बाद बीजिंग ने ताइवान को डराने के लिए समुद्र में मिसाइल भी दागी। जिनपिंग सरकार अमेरिका के इस नई घोषणा से बीजिंग ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये हमारी नीतियों का उल्लंघन है। ताइवान को किसी भी तरह से विदेशी संबंधों को आगे बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ताइवान को यह बताने की कोशिश न करे कि वह स्वतंत्र है, उसे आज़ादी के लिए नहीं उकसाया जाए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बता दें कि 1949 में गृह युद्ध के बाद ताइवान और चीन के साथ कई आधिकारिक संबंध नहीं रहा, लेकिन दोनों अरबों डॉलर के व्यापार और निवेश से बंधे हैं। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल मिलेंगे अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।